जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं, बड़ी ही रोचक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहा करता था। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था लीला। दोनों पति पत्नी अत्यंत ही परिश्रमी थे। सारा दिन परिश्रम करके वो सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, लेकिन उनको उनके बनाए हुए वस्त्रों की उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। बहुत ही सुंदर कपड़े बनाते लेकिन उचित कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन दोनों ही अत्यंत संतोषी स्वभाव के थे। उन्हें जो भी मिलता उसी से वो संतुष्ट होकर अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर जीवन निर्वाह कर लेते थे। उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो दोनों भगवान के परम भक्त थे। दिन भर के परिश्रम के पश्चात, मेहनत के बाद जो भी समय मिलता वो दोनों उसे भगवान के भजन कीर्तन में लगा दिया करते थे। समय निकलता जा रहा था। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल भी थी। जब वो दोनों मिलकर भजन गाया करते थे तो सुंदर तानपुरा बजाता था और लीला खड़ताल बजाया करती थी। और फिर दोनों भगवान के भजन में ऐसे खो जाते थे कि उन्हें अपनी भूख और प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। वैसे तो दोनों बड़े ही संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भगवान को शिकायत नहीं की और वो अपने इसी जीवन में प्रसन्न थे। लेकिन उन्हें एक दुख हमेशा हमेशा कचोटता रहता था, और वो दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वो सदा चिंतित रहते थे, किंतु फिर भी सदा ही भगवान के भजन में मग्न रहते थे। उसे भी वो भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया करते थे और निष्काम रूप से भगवान की प्रेम भक्ति भाव में डूबे रहते थे। अब धीरे धीरे समय निकलता गया, उनकी आयु अधिक होने लगी। तो एक दिन लीला ने सुंदर से कहा, सुनो, हमारे कोई संतान नहीं है। कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, ना जाने कब बुलावा आ जाए। मरने के बाद कौन हमारी चिता को अग्नि देगा और कौन हमारे लिए तर्पण इत्यादि कार्यों को करेगा? कैसे हमारी मुक्ति होगी? सुंदर बोला, तू चिंता क्यों करती है? ईश्वर है ना, वही सब देखेंगे। सुंदर ने यह बात कह तो दी, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा घर लेकर आया। घर आकर लीला से बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारे कोई संतान नहीं है तो वह भी इन्हीं की तो लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूरा करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। सुंदर की बात सुनकर लीला बेहद प्रसन्न हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से यही हमारा लल्ला है। अब दोनों पति पत्नी ने घर के एक कोने को साफ करके वहाँ एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। तब से जुलाहा दंपत्ति का नियम हो गया। वो प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराया करते थे, उनको धुले हुए वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह ही उन्हें लाड लड़ाते और उन्हीं के समान उन्हें प्यार करते और उनके सामने बैठकर ही भजन कीर्तन किया करते और फिर रात होने पर सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उन्हें पहनाता। इसमें उन्हें बड़ा आनंद आता। धीरे धीरे बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। लीला का नियम था कि वह प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती और फिर स्वयं भोजन करती। लल्ला को भोजन कराते समय उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता मानो कि वो अपने पुत्र को ही भोजन करा रहे हो। उन दोनों के निश्चल प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अदृश्य रूप में आकर ही स्वयं भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। लीला अब जब भी प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होना मानो वह अपनी माँ के हाथों से भोजन कर रहे हैं। उनको लीला के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाला हर कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु लीला कभी जान नहीं पाई कि भगवान बाल गोपाल स्वयं उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन कार्य बहुत अधिक होने के कारण लीला बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था,
भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी कार्य करते करते थक गए और बिना भोजन किए ही सो गए। उन्हें सोए हुए अभी कुछ देर ही हुई कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, माँ बाबा मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए, चारों ओर देखा आवाज़ कहाँ से आई, किंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। तभी लीला को स्मरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को तो आज भोजन कराया ही नहीं है, और वो दौड़कर लल्ला के पास पहुंची तो देखा कि बाल गोपाल का मुख कुमलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वहीं उनके चरणों में गिर पड़े। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, आंसुओं की धारा बहने लगी। लीला तुरंत रसोई घर में गई और भोजन बनाकर लेकर आई, और ना जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और फिर उन्हें भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जा रहे थे, लल्ला को भोजन कराते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, भोजन कराते जा रहे थे, और साथ ही साथ उनसे अपने इस अपराध के लिए क्षमा भी मांगते जा रहे थे। ऐसा प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगवान अत्यंत द्रवित हो गए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में वहाँ प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आँखों के आंसू पोछे और फिर बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूरी करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे दया निधान, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सम्मुख उपस्थित हैं तो हमारा जीवन तो धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस बस यही कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान के अभाव को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान कर सकता हूँ। इतना सुनते ही सुंदर और लीला एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं नहीं भगवान, हमें संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुमने मुझे अपनाया है, तुम मुझे अपने घर लेकर आए हो। ये सुनकर दोनों बोले, प्रभु हमको भय है, यदि हमको संतान प्राप्त हो गई तो हमारा मोह उस संतान के प्रति बढ़ जाएगा और तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर उठे। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू टपकने लगे और फिर वो बोले, हे मैया, हे बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का यह ऋण कभी नहीं उतार पाऊँगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझको भी अपने बंधन में बांध लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे समस्त कार्य पूर्ण करूँगा। तुमको कभी संतान का अभाव नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता है। ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गए। उस दिन से सुंदर और लीला का जीवन बिल्कुल ही बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया और सारा दिन बाल गोपाल के भजन कीर्तन और उनकी सेवा में व्यतीत करने लगे। उन्हें अब ना भूख सताती थी ना प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई कार्य करता तो केवल अपने बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का कार्य करता। उनके सामने जब कोई भी परेशानी आती, बाल गोपाल तुरंत ही एक बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके समस्त कार्यों को पूरा कर देते। वे दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई भी नहीं ये जान पाया कि वो बालक कौन है, कहां से आता है और कहां चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति अब बुढ़े हो गए, किंतु भगवान की कृपा उन पर बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ चला। भगवत प्रेरणा से उन्हें यह ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा हो चला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा। ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाही। दोनों भक्त दंपति भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हे दीनानाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ चुका है और इसीलिए हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, मांगो, निसंकोच होकर अपनी इच्छा कहो। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूँगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे
वृद्ध दंपत्ति बोले, हे नाथ, हमने अपने पुत्र के रूप में आपको देखा है और आपकी सेवा की है। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा करी है और अब वो समय आ चला है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करता है। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकले। और हे दया निदान, जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता की अंतिम क्रिया करता है, अंतिम संस्कार करता है और उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार हे परमेश्वर, हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। बस यही इच्छा है। श्री हरि ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और बाल गोपाल के विग्रह में पुनः विलीन हो गए। अंत में वो दिन भी आ गया जब प्रत्येक जीव को ये शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों वृद्ध दंपत्ति बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने के लिए उनकी झोपड़ी पर पहुँचे। किंतु दोनों का ध्यान तो श्री हरि में रम चुका था, उन्हें तो पता भी नहीं कि कोई आया हुआ है। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ। जुलाहे की झोपड़ी एक तीव्र और अलौकिक प्रकाश से भर उठी। वहां उपस्थित समस्त लोगों ने आंखें बंद कर ली। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए और कुछ वहीं धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनकी अप्रतिम शोभा समस्त सृष्टि को अलौकिक करने वाली थी। वातावरण में एक दिव्य सुगंध भर गई। अपनी मंद मंद मुस्कान से अपने उन भक्त माता पिता की ओर देखते रहे। उनका यह दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध दंपति अत्यंत आनंदित हो चले। अपने दिव्य दर्शनों से दोनों को तृप्त करने के बाद करुणा निधान लीलाधारी समस्त सृष्टि के पालनहार श्री हरि वहीं उन दोनों के निकट धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा, उनके शीश पर प्रेम पूर्वक अपना हाथ रखा और तत्पश्चात अपने हाथों से उनके नेत्र बंद कर दिए। तत्काल ही दोनों के प्राण निकलकर श्री हरि में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना शरीर पंचभूत में विलीन हो गया। कुछ समय बाद जब वो दिव्य प्रकाश लोप हुआ तो सभी उपस्थित ग्रामीणों ने देखा कि वहाँ ना तो सुंदर था और ना ही लीला थी और ना ही वो बाल गोपाल थे। शेष थे तो बस मात्र कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े थे और एक दिव्य सुगंध जो वातावरण में चारों ओर फैली हुई थी। विस्मित ग्रामीणों ने श्रद्धाभाव से धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर शीश से लगाया। सुंदर और लीला की भक्ति और गोविंद का नाम का गुणगान करते हुए ग्रामवासी अपने अपने घर चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। तो दोस्तों, यह कहानी सोशल मीडिया से ली गई है। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलते रहेगी। तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।